लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी ना केवल होती ही है बल्कि जरूरी भी है। इस टाइम पर एग्जाम के दौरान रिजल्ट की चिंता करना बेमानी है। अगर मैं छोले एक दिन पहले भिगो देता हूं और अगले दिन उसको बनाता हूं तो फिर उसका टेस्ट आना ही आना है। याद रखिएगा, इस एग्जाम में OMR है जो चेक होगा। आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया और उसके बाद में उसका गोला गलत भर दिया तो -1 नंबर आएगा। जो भी रिक्वायरमेंट है वो लास्ट मिनट के लिए मत छोड़िए। क्लटर में प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी ब्रीड होती है। 3 घंटा 20 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत टाइम आपको मिल रहा है। जिंदगी इस तरह से नहीं चलती कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटे, आफ्टर ऑल इट इज एन एग्जाम। और कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में आता है। अगर मेरा पैशन ही है तो मैं कुछ दिन बाद भी दे सकता हूँ। क्या हाल है आप सबके, मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। रूस एजुकेशन की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम कर रहे हैं। देखिए, इस टाइम पर नीट एंट्रेंस एग्जाम में 48 घंटे से कम टाइम रह गया है। बड़ा स्वाभाविक है कि आप लोगों को बहुत एंग्जाइटी होगी, आपके ऊपर स्ट्रेस हो सकता है, आपके ऊपर ये एक प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ सकती है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस तरह की चीज बहुत नॉर्मल है, अपने दिमाग में इस तरह की शंकाएं आना। एंजाइटी कहते ही उसको है कि फ्यूचर के किसी इवेंट को लेके आपको एक डर है कि पता नहीं क्या होगा और आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, थोड़ी बहुत एंजाइटी ना केवल होती ही है बल्कि जरूरी भी है, क्योंकि कुछ एंजाइटी की वजह से ही आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा एंजाइटी हो जाए, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, तब ये प्रॉब्लम आती है आपके सामने कि फिर आपकी परफॉर्मेंस खराब होना शुरू होती है। इसीलिए इस टाइम पर आपने उन क्वेश्चंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना है जो आपके अख्तियार में नहीं है। इसका मतलब पेपर कैसा आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये पेपर बेटे आप नहीं बना रहे हैं, आपके हाथ की चीज नहीं है। जब भी आप इस तरह की चीजें सोचते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इससे एंजाइटी ब्रीड होगी। आपने इस चीज से बचनी है। इससे बढ़िया क्वेश्चन ये हो सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, वो कौन से चैप्टर हैं जिन्हें मैं अभी भी रिवाइज करूं तो मेरे ज्यादा नंबर आ सकते हैं, वो कौन सी चीज है जिसे मुझे लास्ट मिनट में रिकॉल करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर अपना आप ध्यान लगाएंगे तो इंपैक्टफुल काम करेंगे और एंग्जाइटी नहीं होगी। एक और चीज समझिए बड़े ध्यान से, जिस टाइम पर तूफान आता है, मान लीजिए कोई तूफान आ रहा है और आप एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं, तो आप पेड़ से उतर जाएंगे और आप ग्राउंड पर बैठ जाएंगे और ग्राउंड पर अपने आप को बचा करके बैठ जाएंगे और उस तूफान को गुजर जाने देंगे। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हो सकता है आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस आए, अचानक आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट आए, कुछ इस तरह के हुक हो जो आपको इस तरह से बताने की कोशिश करें कि बहुत गड़बड़ होने वाली है। ऐसा करना है, उस टाइम पर अपने आप को शांत करना है। इसे हम कहते हैं ग्राउंड करना अपने आप को, उस वाले तूफान को गुजर जाने देना है। इस टाइम उससे लड़ने की कोशिश नहीं करनी है, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, इस टाइम पर ऐसा जब आपके सामने इमोशनल स्टॉर्म आ रहा हो तो पेड़ से उतरिए, जमीन पर छुप के बैठिए, अपने अंदर अपना ध्यान केंद्रित करिए, लंबी सांस लीजिए, पूरा ध्यान आपका सांस के ऊपर होना चाहिए। आप इस तरह से हाथ को अपना इस तरह से हाथ को खींच भी सकते हैं जमीन पर। मैं जिस तरह से इस टाइम अपना जो पैर है उससे जमीन पर प्रेस कर रहा हूं, उस पर ध्यान दे रहा हूं, उससे हटा करके ध्यान इन चीजों पर लाना है। आप देखेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस वापस आपके काम की चीजों पर आ जाएगा। यह बहुत बढ़िया तरीका है स्ट्रेस को रिमूव करने का। यह आप एग्जाम के दौरान भी कर सकते हैं। हो सकता है कि एग्जाम के दौरान कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि कुछ क्वेश्चन फंस जाए, उस टाइम पर आपने अपने आप को ग्राउंड करके अपना पूरा का पूरा फोकस वापस लाना है। बार बार कोशिश करेगा ये स्ट्रेस आपके फोकस को हटाने की, एग्जाम से पहले भी एग्जाम के बाद भी हर बार आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि अपने आप को रीफोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैंने आपको बताई। दूसरी चीज ये है कि एग्जाम के दिन में आपसे ये कहूंगा कि एक तो पहले
पहले ही सारी चीजों को इकट्ठा कर लीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट है वो लास्ट मिनट के लिए मत छोड़िए। क्लटर में प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी ब्रीड होती है। एडमिट कार्ड कहां रख दिया, पेन कहां रख दिया, ये मेरे को एक फोटो आईडी कार्ड लेके जाना था, ये कहां रख दिया। एक चेक लिस्ट बना लीजिए पहले ही और उसको एक अलग जगह रख दीजिए ताकि उस टाइम पर लास्ट में कोई चीज मिल नहीं रही। इस तरह से उससे भी एंग्जाइटी ब्रीड हो सकती है। क्लटर को खत्म कीजिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करिए। एग्जाम से पहले टाइम से ही पहुंचिए, लास्ट मोमेंट पे पहुंचने की कोशिश नहीं करनी है। थोड़ा सा पहले एग्जाम वाले सेंटर पे पहुंचना है और एग्जाम सेंटर पर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप उतरते हैं गाड़ी से, किसी भी चीज से आप जा रहे हैं, जब आप उतरते हैं अचानक वहां पर भीड़ दिखाई देती है और सारे लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाई देते हैं। एक बार दिल ऐसा लगता है डूब रहा है, ऐसा लगता है सबको सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता। सो जब आप भीड़ देखते हैं तो उस टाइम पर टेम्परामेंट गड़बड़ होता है। सो मैं आपसे ये कहूंगा, आप एग्जाम सेंटर पे टाइम से जाइए। ज्यादा एकदम आपने एग्जाम सेंटर के गेट पर खड़ा नहीं होना है, आपने भीड़ में इकट्ठा नहीं करना है। आप कहीं अकेले में खड़े होइए 100-200 मीटर दूर, बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना है, किसी से किसी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करना है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। कई बारी वो बेवकूफी का क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि ये बताओ इसका आंसर क्या है, और अगर आपको नहीं आता है तो वह एंग्जाइटी ब्रीड करेगा और एग्जाम में पक्की बात है ये क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह की एक्टिविटी आपने नहीं करनी है, इसीलिए आराम से जाइए सेंटर पर। आराम से जाकर के सेंटर में जब आप अपनी सीट पर जाकर के बैठे तो मैंने जैसे कहा, एक बार रिलैक्स होइए, अपने बारे में सोचिए ये मैं क्यों कर रहा हूं। अपने मां बाप के चेहरे पर जो हंसी है, उनका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ेगा। आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखना चाहते हैं, आप अपने को एक नोबल प्रोफेशन में लोगों की मदद करना चाहते हैं, उस चीज को एक बार याद करिए कि ये मैं कर क्यों रहा हूं। और उसके बाद दो एक बार अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कीजिए, लंबी सांस लेकर के ब्रेथ पर कंट्रोल कीजिए, अपनी मसल टेंशंस को रिमूव कीजिए और उस टाइम पर जब तक एग्जामिनर ना कहे अपनी आपने वो टेक्स्ट बुकलेट को खोलना नहीं है। कुछ बच्चों की आदत होती है उसमें सील लगी है, वो साइड से खोल के देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आया हुआ है और उस टाइम पर वो क्वेश्चन वो दिखाई देगा गारंटेड जो आपको आता नहीं। और ये बात याद रखना, आप जैसे ही खोल के देखोगे वही क्वेश्चन दिखाई देगा जिसे आप घर से कह रहे थे हे भगवान ये क्वेश्चन ना आ जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, वही क्वेश्चन दिखाई देगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले जबरदस्ती का काम मत कीजिए, एंग्जाइटी इंक्रीज करने का काम मत कीजिए। 3 घंटा 20 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत टाइम आपको मिल रहा है, इसीलिए आप जो है तभी खोलिए जिस टाइम पर आपसे कहा गया है। एग्जाम के दौरान बीच में वीडियोग्राफी वाले आ सकते हैं, एक दो बार इनविजिलेटर आपसे साइन कराने आ सकता है, मैंने बच्चों को विचलित होते देखा है, डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस टाइम पर वो कई बारी अपना जो है टेम्परामेंट लूज करते हैं। ये पार्ट एंड पार्सल है, एक आध बार जरूर आएंगे, इसमें 1-1.5 मिनट लग सकता है, उस टाइम पर फिर वही स्टॉर्म को गुजर जाने देना है, आपने अपने आप को शांत रखना है, ये होगा पहले से ही मानकर चलिए। एक तो ये चीज समझिए, दूसरी बात, जिस टाइम पर आप पेपर कर रहे हैं आपने प्रैक्टिस इसलिए करी है ताकि आपकी ब्लीडिंग कम हो वॉर में। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। आपने बहुत मेहनत करी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक ऑप्टिमिज्म से जिंदगी चलती है। जिंदगी इस तरह से नहीं चलती कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटे, आफ्टर ऑल इट इज एन एग्जाम। और कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में आता है, अगर मेरा पैशन ही है तो मैं कुछ दिन बाद भी दे सकता हूं। इस एग्जाम को करेक्ट पर्सपेक्टिव में रखिए, ये एक एग्जाम ही है, पूरी जिंदगी की वर्थ डिसाइड नहीं करता है। अगर आपने इस एग्जाम को अच्छा नहीं किया तो आप बुरे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में सक्सेस कई चीजों से डिसाइड होती है, हां आपके चॉइस का कैरियर है तो आप अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहते हैं, तो हम लोग कहते भी हैं कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए। इस टाइम पर एग्जाम के दौरान रिजल्ट की चिंता करना बेमानी है। किसी टॉपिक में आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। मोस्ट लाइकली क्वेश्चन मुश्किल है, आपसे नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी और से ना हो रहा हो और आपकी जो शंका और एंग्जाइटी है वो बेवजह हो। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर यह मत सोचिए कि ये 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए, कुछ गड़बड़
गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम में प्रैक्टिस में पहले ही आपने ये डिसाइड कर दिया है कि आपकी सीक्वेंस क्या होगी, उसी को स्टिक करिए। मान लीजिए एक कॉमन जो सीक्वेंस होती है वो ज्यादातर बच्चों की, वो बायोलॉजी से शुरू करते हैं। बायोलॉजी से शुरू करने का एक बहुत बड़ा फायदा है, एक तो पेपर जल्दी हो सकता है और बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और फिर ये बायोलॉजी का कॉन्फिडेंस लेकर के आप फिजिक्स केमिस्ट्री में जाते हैं। अपनी टेस्ट सीरीज में, अपनी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में जो भी आपने सीक्वेंस फॉलो की है उसको चेंज करने का अब कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से कीजिए। ओएमआर फिलिंग की आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, जो आपका सिस्टम है उसको कीजिए। याद रखिएगा इस एग्जाम में ओएमआर है जो चेक होगा। आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया और उसके बाद में उसका गोला गलत भर दिया तो -1 नंबर आएगा। वो जो एक सिंगल पेज है जिसे आप ओएमआर कहते हैं वो चेक होता है। सो इसका मतलब उस ओएमआर को आपने बहुत तरीके से भरना है, आपने बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी। डबल चेक कर लेना कि आप 31 वाला जो क्वेश्चन है 31 वो 31 में ही फिल कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आपने एक गोला ऊपर नीचे कर दिया तो हो सकता है 4-5 सीक्वेंस गलत हो जाए। ये एक कॉमन एरर बच्चों के साथ होता है। प्लीज मेक श्योर, ध्यान से एक बार डबल चेक कर लीजिए कि ये वही लाइन है कि नहीं। खास तौर पे जब वो बॉक्स चेंज होता है उस टाइम देख लीजिएगा कि ये 41 है कि 51 है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि एक बार अगर आपने गोला भर दिया तो आप उसे मिटा नहीं सकते। यहां पर आपने बहुत ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम के दौरान फिर बार बार आपके दिमाग में हो सकता है फोकस लूज हो, मैंने आपको बताया फोकस वापस कैसे लेके आते हैं। एग्जाम के दौरान एक और चीज मैं आपको सलाह दूंगा, सेक्शन बी चारों सब्जेक्ट्स में है, बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब में सेक्शन बी है। 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन देख करके बेस्ट 10 कीजिए, पहले 10 नहीं करने। यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। आपके पास चॉइस है 5 क्वेश्चन की, आप ये मत कर देना कि एग्जाम में आपने ये कहा कि मैं पहले 10 क्वेश्चन कराया उसमें एक गलत हो गया लेकिन 12वां भी मुझे आता था, मैंने देखा ही नहीं क्योंकि मैंने पहले 10 कर दिए। इस 15 को पूरा पढ़िए और उसमें से अपने बेस्ट 10 को सेलेक्ट कीजिए और प्लीज उन 10 को करके आके ओएमआर में रिकॉर्ड कीजिए। ये 40 क्वेश्चन सबसे पहले अपनी जेब में आपने करने हैं। सो किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करते हुए मेरी एक चॉइस ये रहेगी कि पहले सेक्शन बी कर लीजिए, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकते हैं, थोड़े वर्डेड भी होंगे, थोड़ा आप टाइम भी लगा सकते हैं, बाकी पेपर बहुत आसान होता है। सो ये पेपर के दौरान आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप पेपर से बाहर निकल के आए, ऊपर वाले का जिसको भी आप मानते हैं शुक्रिया अदा कीजिए, अपने पेरेंट्स को शुक्रिया अदा कीजिए, आपने अपना बेस्ट एफर्ट किया है, आपने अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट किया है, कोई रिग्रेट का पेन नहीं होना चाहिए। अपने फेट को आदमी को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने आप को आदमी को रिजुविनेट करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए, मेरे को पूरा यकीन है अगर आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और तो आपका रिजल्ट आएगा ही। अगर मैं छोले एक दिन पहले भिगो देता हूँ और अगले दिन उसको बनाता हूँ तो फिर उसका टेस्ट आना ही आना है। वो बात दूसरी है कि मैं केवल खाने से आधे घंटे पहले 2-3 सीटी लगा के कुकर में करूँगा तब गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर मैंने प्रॉपर टाइम दिया है, सारे मसाले प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से बेटे उनको भूना है, समझ रहे हैं आप, तो मेरा टेस्ट आएगा ही आएगा। ये कॉज एंड इफेक्ट है, कोई भी चीज लक से नहीं होती है। इस दुनिया में ये सबसे बड़ा झूठ है जब हम ये सोचते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी भाग्य के सहारे चल रही है और भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। किसी को कोई बीमारी होती है तो पीछे मुड़ के उसको देख लेना चाहिए, उससे कोई लापरवाही होगी। किसी को ब्लड प्रेशर है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा होगा, हार्ट की प्रॉब्लम है, फिर एक्सरसाइज नहीं की होगी। सो कॉज एंड इफेक्ट है, कोई फेट वाली बात नहीं है। एक्सेप्ट कीजिए, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं दोनों हाथों से एक्सेप्ट करूंगा, उससे एक लर्निंग लूंगा, उससे ये सीखूंगा कि मुझे ये चीज कैसे बेहतर बनाती है, और अगर जरूरत पड़ी तो रिजुविनेट होकर के फिर लगूंगा इसके पीछे। ये मेरा पैशन है, इसको मैं छोड़ूंगा बिल्कुल नहीं।
अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है आपको, आप बहुत शानदार एक कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। हॉस्टल लाइफ में आप याद करेंगे पूरी जिंदगी इस हॉस्टल लाइफ को। मेडिकल कॉलेज का एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है, आपने एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर ली है। इस ग्लोरी में अपने आप को बास कीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। जैसा भी पेपर हुआ है अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए। हो रहा है नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पार्टी बनती है, इसको आपने सेलिब्रेट करना है। आपने अपना बेस्ट दिया, आपके पेरेंट्स आपको पेन में नहीं देखना चाहते, आपके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि आपको दर्द ना हो, इसीलिए उन्होंने बार बार आपसे कहा था बेटे और पढ़ दो और पढ़ लो। उनका मकसद केवल ये नहीं था कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए, वो ये चाहते थे कि आप अच्छा करें और उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। सो जिस टाइम पर आप घर वापस आए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, एक छोटी सी चॉकलेट मेरी तरफ से खाइए और आसपास के लोगों को खिलाइए। उन 2-3 लोगों को थैंक यू कहिए जिन्होंने आपकी मदद की है। जब आप किसी को थैंक्स बोलते हैं आपको बड़ा अच्छा फील होता है, आपकी जो पोस्ट पेपर एंग्जाइटी है वो कम हो जाएगी। अपने आंसर्स मिलाइए, घबराइए नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आंसर दे रहे होंगे, हम भी आपको आंसर्स देंगे, आपने अपना आंसर मिलाना है और फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि उसके बाद की बात है, दैट इज फॉर फ्यूचर टू डिसाइड। तो मैं पास्ट का रिग्रेट नहीं रखूंगा, मुझे कोई ग्लानी नहीं होगी कि पीछे मैंने क्या किया क्या नहीं किया, फ्यूचर की एंग्जाइटी नहीं पालूंगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे आज में रहना है। और मैं हर अब 2 घंटे में अपने आप से पूछूंगा क्या मैं वही काम कर रहा हूं जो नीट 2023 के लिए जरूरी है। अब से लेकर के 2023 तक आपका टाइम बहुत बढ़िया आपका मैनेज हो जाएगा। एक और याद रखिएगा बेटे, प्लीज हैव अ वेरी गुड स्लीप। बड़े अच्छे से सो करके, सुबह उठ करके 15 मिनट अपनी पसंद का काम करके, कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई 15 मिनट की वॉक लेना चाहते हैं, अपना आराम से शानदार दिन की शुरुआत कीजिए। 2 बजे से 5:20 के बीच में पेपर है, एक हल्का खाना खा करके जाइए, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाइए, अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखिए। ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी ये मेहनत रंग लाएगी। my best wishes to all the NEET aspirants। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस टाइम पर ये पेपर हो जाएगा, आंसर की के साथ में और भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मान लीजिए आप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो हम रूस एजुकेशन पे आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। हर जगह हम आपकी उंगली को होल्ड कर रहे हैं, हम मदद करेंगे आपकी जब तक आपका कैरियर सेटल नहीं हो जाता।